सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एड्स के ऊपर। इतना अच्छे से समझाया जाएगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा, राइट? गूगल एड्स का और किसी और चीज़ का मत समझना, ओके? तो गूगल एड्स का मज़ा अगर आपको समझना है कि गूगल एड्स में आप कैसे 100 रुपये से 1000 रुपये या 2000 रुपये बना सकते हो, या 2100 रुपये से 21000 का सफ़र कैसे कर सकते हो अगेन एंड अगेन, तो आज एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ 101% जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी और काफ़ी अच्छे से आपको गूगल ऐड समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं अपने पेड ट्रेनिंग 777empire.in में समझाता हूँ, वैसे आपको उस लेवल पर समझाने की कोशिश करूँगा, राइट? सो बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं बार बार कि सर कि सर आप गूगल एड्स के बारे में वीडियो बनाइए, थोड़ा सा बताइए कि गूगल एड्स कैसे काम करता है एंड ऑल द थिंग्स। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक गूगल एड्स का बताने वाला हूँ कि आपको मज़ा ही आ जाएगा, राइट? और क्यों बता पा रहा हूँ मैं और क्यों इस चीज़ पे बात कर पा रहा हूँ, बिकॉज यू नो ऑलरेडी कि आई एम एन एफिलिएट मार्केटर एंड बहुत सालों से मैं लगा हुआ हूँ इन सारी चीज़ों के साथ। एंड आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ्स भी दिखाने वाला हूँ, एंड वी आर लाइक इन्वेस्टिंग 20 to 30,000 पर डे ऑन गूगल एड्स विथ एफिलिएट मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ों के साथ, लाइक ब्रांडिंग और मेरे कोर्स के ब्रांडिंग एंड ऑल द थिंग्स, राइट? सो इतना कुछ हम लोग रेगुलरली स्पेंड कर रहे हैं ऑन गूगल एड्स एंड लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो आज मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि गूगल एड्स कैसे काम करती है। सो फॉर दिस प्लीज़ लाइक नाउ, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो प्लीज लाइक द वीडियो, इट इज टोटली फ्री एंड ट्रस्ट मी आई वॉन्ट 150 लाइक्स ऑन दिस वीडियो टूडे। सो प्लीज डू दिस, एंड अगर नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज मैंने देखा है कि आप मेरी वीडियोस को तो देख रहे हो, नॉलेज तो ले रहे हो, पर फ्री का सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है यार। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल का आइकन जरूर प्रेस करो। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, ओके? सो लेट्स डू इट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी हम लोग मेरे गूगल अकाउंट में, राइट, वी आर यूजिंग लाइक 2 or 3 गूगल अकाउंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे एड्स चल रहे हैं। वी आर रनिंग लाइक 50 कैंपेन्स इन अ डे, राइट, जो कुछ एफिलेट्स के हैं और कुछ ब्रांडिंग्स एंड ऑल के हैं, राइट? सो ये सारी चीज़ें हम लोग रन कर रहे हैं, एंड यू कैन सी बहुत अलग अलग डिफरेंट चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं 500 रुपये में और 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, कहीं 3000 रुपये में, कहीं 1500 रुपये में, कहीं 5000 रुपये में। इट्स डिपेंड ऑन द कंट्री एंड टारगेटिंग, राइट? सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको जैसे आप अपने गूगल एड में एंट्री ले लोगे, राइट, गूगल एड्स जस्ट आपको गूगल में लिखना है एंड वहाँ पर साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी यूर जीमेल। तो जस्ट आपको वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे आपको आना है और आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ओके? आते यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ एक प्लस का साइन दिखेगा जिसमें कैंपेन लिखा होगा, ओके? सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कैंपेन क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, आपको न्यू कैंपेन का ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैंपेन कैसे बनाना है, ओके? सो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप सीधा कैंपेन बनाना बता रहे हो, आपने लॉगिन करना बता दिया कि गूगल ऐड में लॉगिन कैसे करना है, बट पेमेंट कैसे करेंगे, राइट? सो यहाँ पर देखो, टूल्स एंड सेटिंग का एक ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ओके? इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट गूगल ऐड्स, सो यू कैन ज्वाइन 777empire.in, ओके? सो यहाँ पर देखो, समरी का ऑप्शन है, जस्ट समरी पे क्लिक करके आपको अपने जो भी आपके कार्ड हैं उससे आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, ओके? सो यहाँ पर देखो, आपके कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिनमें आपका ऐसा है कि आपको इसमें से चूज करके आगे अपने कैंपेन पे काम करना है, ओके? सो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है सेल्स, देन दिख रहा है लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड कंसिडरेशन, और आपका ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोरी विजिट एंड प्रमोशंस, एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, राइट? सो यहाँ पर जो सबसे काम की चीज़ आपकी है वो है सेल्स, लीड और वेबसाइट ट्रैफिक एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, राइट? सो ये देखो, जब आपको सेल चाहिए रहता है सिंपली, तो आप सेल का कैंपेन चलाते हो, लीड्स चाहिए रहता है तो लीड्स का कैंपेन चलाते हो, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए रहता है तो वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन चलाते हो, और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, ये बहुत बड़ा गेम है विद गूगल एड, राइट? ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है रीटारगेटिंग में, और ऐसी अगर आपके कुछ वीडियोज़ हैं आपके यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए हमेशा आप जो कैंपेन रन करोगे वो कैंपेन रन करोगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल।
अब इसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर आप मैन्युअली अपनी चीजों को सेटअप कर पाते हो, और सेटअप करने का मतलब ये है कि आप अपने बजट को ऑप्टिमाइज कर पाते हो। अब ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि आप अपने बजट को कंट्रोल कर पाते हो। मान लो आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के या अपने ब्रांड के अवेयरनेस के लिए, तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे कि आपको कब, किस समय, किस ऑडियंस के साथ, किस लोकेशन पे आपको अपना पैसा खर्च करना है, ठीक है? तो वो चीज़ होती है यहाँ पर, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड विदाउट गोल्स एंड गाइडेंस, राइट? सो हम लोग अभी यहाँ पर सेल्स कैंपेन को मैं आपको करके दिखाऊंगा, बिकॉज आई नो यहाँ सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं, या तो वो अपने ब्रांड पे काम कर रहे हैं या तो वो एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सेल्स, राइट? सेल्स पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद सेल्स की वीडियो एड हम लोग चलाने का बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड स्टेप आएगा, जो आप देख पा रहे हो, यहाँ हम वीडियो सेलेक्ट करेंगे, ओके? तो वीडियो सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, जस्ट एंड नथिंग, ओके? एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 100 रुपये से 1000, या आप कहो तो अगर आप बहुत अच्छी कंट्री में ऐड रन कर रहे हो तो आप बेसिक 1000 रुपये या 2000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2000 रुपये से उसका डबल या ट्रिपल या उसका 100x भी आप निकाल सकते हो। बिकॉज हो सकता है आप 2000 के ऐड रन कर रहे हो और आपका जो प्रोडक्ट हो वो हो आई थिंक $500 का, $300 का, $200 का हो सकता है, और एक सेल आपको मिलेगी तो आपको 35,000 रुपये, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का फायदा हो सकता है, राइट? सो वो कैसे होगा वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ओके? और याद रखना, आप 100 रुपीज़ से गूगल ऐड स्टार्ट कर सकते हो, और अगर उससे ज़्यादा जाना है तो वो आपके प्रोडक्ट और टारगेटिंग पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए मैंने किया क्योंकि ये क्वेश्चन बार 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 मुझसे पूछा गया है, ओके? सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंपेन नेम में, जो भी आपका कैंपेन नेम है उसको याद रखने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट? मैं लिख देता हूँ 777 अम्पायर, ओके? Empire.in, ठीक, कि मुझे याद रहे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है बीड स्ट्रेटजी, राइट? मैक्सिमम और टारगेट सीपीसी, राइट? अब मैक्सिमम करोगे तो चांसेस ये रहते हैं कि भाई आपका जो एड है वो जल्दी चालू हो जाएगा, बिकॉज गूगल खुद उसको ऑप्टिमाइज करेगा, और जो भी उसका लेवल का सीपीसी रहेगा, बीड स्ट्रेटजी रहेगा, वो उसके सामने वहाँ पर रख देगा, ठीक है? तो उसका जो भी आएगा सीपीवी उसको उसके हिसाब से ऐड रन करेगा, ठीक है, गूगल? और अगर आप इसको रख दोगे टारगेट सीपीए, तब आपको टारगेट देना पड़ेगा। हो सकता है कई चांसेस में आपका ऐड रन ना हो, तो उसको बार बार आपको सेट करना पड़ता है, इसलिए आप मैक्सिमम कन्वर्जन के थ्रू जाओगे, ओके? नेक्स्ट जो अपना आ जाता है वो आ जाता है बजट एंड डेट्स, राइट? अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको आते हैं कि कैंपेन टोटल और डेली, राइट? कैंपेन टोटल और डेली। अब मान लो आपके पास 300 रुपये हैं और आप 300 रुपये से ऐड स्टार्ट करना चाहते हो और आप पर डे 300 रुपये खर्चा करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप डेली का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और 300 रुपये यहाँ पर लिख दोगे। बट अगर आप चाहते हो कि मैं 7 दिन एक कैंपेन रन करूँ और कैंपेन का बजट रखूँ 2000 रुपये, ठीक है, तो आप यहाँ पर 2000 रखोगे और कैंपेन का टोटल बजट रखोगे, और कैंपेन का टोटल बजट रखने के बाद आप डेट सेट कर दोगे कि मेरा जो ऐड है वो 4 जून से 10 जून तक चलेगा और 2000 रुपये टोटल बजट है, तो उसके हिसाब से गूगल खर्च करता है, राइट? इसमें ज़्यादातर लोग डेली ऑप्शन की तरफ जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होता है और आप कंट्रोल कर पाते हो अपने बजट को अपने हिसाब से, ओके? नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है यहाँ देखो नेटवर्क्स, कि आपको अपने ऐड कहाँ रन करें। बेसिकली यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मेन होते हैं, YouTube सर्च रिजल्ट्स एंड YouTube वीडियोस, और आप यहीं पर ऐड रन करना चाहते हो इसीलिए आप Google के साथ काम कर रहे हो, ओके? सो ये दो बाय डिफॉल्ट ओके रहते हैं, सेव रहते हैं। एंड थर्ड आपके पास एक ऑप्शन रहता है, क्या आप जितने भी पार्टनर्स हैं Google के, मतलब जितने भी ऐप्स आते हैं जो Google Play पे हैं, वो सारे पार्टनर हैं Google के, और जितने भी वेबसाइट रन हो रही है वो सारे पार्टनर हैं Google के, तो आप क्या चाहते हो कि आप वैसे ऐप्स पे भी और वेबसाइट पे भी अपने ऐड को दिखाओ? इफ़ यस तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, इफ़ नो तो इसको आप हटा दोगे, ओके? सो हम लोग नहीं चाहते तो हम हटा देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपको कंट्रीज, जो भी आपकी कंट्रीज हैं ये इजी है, आप वो कंट्रीज़ को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ जो लैंग्वेज उस लैंग्वेज को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा हाई टर्म है तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको इसको डिफाइन नहीं करूँगा, जस्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ हमेशा स्टैंडर्ड आपको रखना है अगर आपको सही से ऐड अपनी रन करनी है। उसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि भाई आप कौन से चैनल्स पे अपने ऐड रन करना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो वेरीफाइड होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चैनल जो वेरीफाइड नहीं होते हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो गेम्स खेलते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलता है, देखो, एम्बेडेड वीडियो, यूट्यूब वीडियोज़,
लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस और कंटेंट नॉट येट लेबल्ड, राइट। तो ये तीन जगह आप अपना एड अच्छे लेवल पर रन कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद आप नीचे आओगे एंड यहाँ पर कुछ स्ट्राइक लिंक्स होती हैं जो थोड़ा सा हाई लेवल चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। अगर आपने 777empire.in का एड देखा होगा तो एड आते ही एक नीचे का खुल जाता है जिसमें लिखा रहता है लर्न मोर, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पर लगा दूंगा अगर मुझे मिलेगा तो, अभी मेरे को नहीं मिल रहा, अगर मिलेगा तो मैं लगा दूंगा। तो लर्न मोर का ऑप्शन खुल जाता है, वहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा लिंक आ जाती हैं कई बार, और कई बार नहीं भी आती हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हो लर्न मोर का जैसी ऑप्शन खुले वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिंक लगाना, तो ये साइट लिंक एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है एंड वहाँ पर भी आप अपने लिंक्स लगा सकते हो, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हो सकेगा मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पर आपके लिए लगा दूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में आपको दिखाएगा कि भाई आप क्या ट्रैक करना चाहते हो, कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हो, यस हम ट्रैक करना चाहते हैं तो हम इसको ओके कर देंगे। देन उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है कि आप अपने एड्स को कहाँ शो करना चाहते हो, टीवी पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर्स पे, कहाँ पर शो करना चाहते हो। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइस, राइट, और चाहो तो सब डिवाइस में शो कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सब डिवाइस में शो करो ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये भी बहुत अच्छा गेम है यहाँ पर। यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप एक प्रोस्पेक्ट को, एक कस्टमर को कितने बार ऐड दिखाना चाहते हो। अगर आप एक कस्टमर को एक दिन में 5 बार ऐड दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर देखो कैप व्यू फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करोगे और यहाँ पर लिख दोगे 5 बार। अगर एक वीक में उसको 5 बार दिखाना चाहते हो तो वीक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, और एक मंथ में उसको 5 बार दिखाना चाहते हो तो मंथ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, राइट। ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है फ्रीक्वेंसी कैपिंग, इसको याद रखना जब भी ऐड रन करोगे। नेक्स्ट चलेंगे कि शेड्यूल करना है, कितना कब दिखाना है आपको, ऑल डे, तो ऑल डे हम इसको करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड रिस्पॉन्सिव में आपको रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप अपने ऐड को हर टर्म्स एंड कंडीशन में, हर साइज में दिखाना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिव। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड ग्रुप का नेम देना है, जो भी आपका ऐड का नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। हम लोगों ने कैंपेन का नाम 777empire रखा था तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे 777empire.in, जो मेरा कोर्स है, और इसका रख देंगे वीडियो ऐड, राइट, वीडियो ऐड, ठीक है। तो इसका नेम हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर आपका वही डेमोग्राफिक्स, कौन से ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, ओके। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर देखो तीन चीज़ें हैं समझने की, कस्टम ऑडियंस, रीटारगेटिंग ऑडियंस और इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफिक ऑडियंस, राइट। तो देखो तीनों चीज़ में सबसे जो फर्स्ट चीज़ आती है जब आप फ्रेशर हो और ऐड रन करना चाहते हो तो इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफिक में आप जाते हो। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखो दिख जाएगा बहुत सारे अलग अलग ऑडियंस जिसको गूगल ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है कि सोशल मीडिया ऑडियंस हमारी अलग है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑडियंस हमारी अलग है, इंटरटेनमेंट वाली ऑडियंस अलग है, बिजनेस प्रोफेशनल, बिजनेस सर्विस ऑडियंस अलग है, राइट। तो हमारी जो ऑडियंस है वो है सोशल मीडिया वाली ऑडियंस, तो हम सोशल मीडिया में जाएंगे, और हमारी जो ऑडियंस है वो बिजनेस सर्विस वाली है, टेक्नोलॉजी वाली है, तो हम ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। अब होता ये है कि जैसे आप ये चीज़ें सेलेक्ट करोगे तो उन्हीं ऑडियंस को आपका ऐड दिखेगा जिनको दिखना चाहिए, जिन जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लो 777empire.in का देता हूं, ठीक है। 777empire.in क्या कोर्स है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग का, कॉपीराइटिंग का, पर्सनल ब्रांडिंग का, और आपका हो गया ईमेल मार्केटिंग का, लैंडिंग पेज का। 5 बड़े कोर्सेज आपको सिर्फ एक बंडल में मिल जाते हैं, राइट, 777empire.in में। तो अब 777empire.in के ऑडियंस कौन सी हुई, सबसे मेन है एफिलिएट ऑडियंस। तो हम सबसे पहले एफिलिएट ऑडियंस को प्रमोट करना चाहेंगे तो देखो यहाँ पर हम सोशल मीडिया वाली ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे, राइट। टेक्नोलॉजी बेस्ड को भी सिलेक्ट करेंगे बिकॉज जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटर हैं, राइट। वो डिजिटल में अपना गेम बनाते हैं, डिजिटल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑडियंस भी हो गई। बिजनेस सर्विस, बिजनेस करते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, तो हम इसको भी यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। मतलब मेन जो है वो 2 हुई, ओके। अब देखो हम लोग मेन अभी एफिलिएट मार्केटर्स को ट्राई करें, बट मेरा जो कोर्स है वो फुल ऑफ इंटरनेट बिजनेस आपको सिखा देगा, राइट। क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि आपको लैंडिंग पेज हर जगह जरूरत है, आप कुछ भी करो, आप फ्रीलांसर हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको लैंडिंग पेज सीखना ही पड़ेगा बनाना। ईमेल मार्केटिंग हर बिजनेस की जान होती है, बैकबोन होता है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। पर्सनल ब्रांडिंग के बिना आप रह ही नहीं सकते आज के समय में, ठीक है। तो 3 बड़े कोर्सेस आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल गए। फिर कॉपीराइटिंग के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते इंटरनेट बिजनेस में, राइट। तो 4 और इसमें एक्स्ट्रा कोर्स और प्लस एक एफिलिएट मार्केटिंग, 5 कोर्सेस इन 1 प्राइस आपको मिल रहा है। तो
अब आप चाहो तो इन चार जो ऑडियंस है ना, इनको भी आप क्या कर सकते हो, पिच कर सकते हो। मतलब जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको भी आप पिच कर सकते हो, क्योंकि आपके पास चार ऐसे हथियार हैं जो आपको इंटरनेट बिजनेस में स्ट्रांग बनाते हैं, और इन चारों हथियार की सबको जरूरत पड़ती है, राइट। चाहे वो कोई भी हो, इंटरनेट पे बिजनेस कर रहा हो, डिजिटल मार्केटर हो, उनको ईमेल मार्केटिंग की, लैंडिंग पेज मेकिंग की, पर्सनल ब्रांडिंग की और कॉपीराइटिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट। 7 लाख रुपीज़ का बोनस, ये दो कोर्स है हम लोग का जो 7 लाख रुपीज़ में आएगा इंटरनेशनल मार्केट में, बट हम लोग क्या दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हमारे पास कितनी ऑडियंस हो गई, अब अपने पास और भी ज़्यादा ऑडियंस हो गई। यहाँ पर हम टारगेट कर सकते हैं फ्री लांसर्स को, राइट। तो हम लोग चलो लिखते हैं फ्री लांसर्स, ओके। देखो मैं फ्री लांसर्स लिखा हूँ तो उसको भी ये सोशल मीडिया ऑडियंस में ले रहा है, बट यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया है लाइक बिजनेस प्रोफेशनल्स, राइट, रिसेंटली स्टार्टेड न्यू जॉब, तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो ये कुछ ऑप्शंस हम लोग को दे दे रहा है, और ऐसे करके आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने ऑडियंस को चुनते हो। तो ये यहाँ पर आपका काम आता है, और रीमार्केटिंग और कस्टम ऑडियंस के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा, राइट। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या इसके बारे में भी सीखना है, रीमार्केटिंग एंड कस्टम ऑडियंस के बारे में, सो मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आऊंगा, राइट। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड नाउ नेक्स्ट जो आता है आपका कीवर्ड्स आता है, कि आपको जो भी कीवर्ड्स पे ऐड रन करना है, लाइक मुझे एफिलिएट मार्केटिंग पे करना है, एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे आपको जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर आप नीचे सेलेक्ट करते जाओगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक्स। अब देखो टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स पे आप ऐड अपना रन करो, यहाँ पर मोस्टली लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, और आपको भी ब्लैंक छोड़ देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जिसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे, और मैं ऑलमोस्ट 90% टाइम इसको ब्लैंक ही छोड़ता हूँ, और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। अब मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आप भाई अपने 500 रुपये को 5000 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, कहा था। अब वो कैसे होगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। प्लेसमेंट का ये ऑप्शन आपके सामने है, नज़र में आ रहा है, ठीक है, प्लेसमेंट का ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर आपको एक पावर मिलती है कि आप उन चैनल्स पर अपना ऐड रन कर सकते हो जो ऑडियंस आपको चाहिए, राइट। अब मान लो आप 777empire.in को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आपको पता होगा कि एफिलिएट का ऑप्शन है मेरे कोर्स में, ठीक है, बहुत सारे एफिलिएट्स मेरे कोर्स में जुड़े हुए हैं। सो अब वो एफिलिएट्स मान लो मेरे कोर्स को प्रमोट करना चाहते हैं और पैसा अर्न करना चाहते हैं, राइट। आपने ये वीडियो देखी होगी जो अभी आपके सामने नज़र में आ रही है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो, यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि 777empire.in का एफिलिएट कितना पावरफुल है, राइट। तो मान लो मेरे कोर्स को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो अब ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, बट इनका बजट कम है, ठीक है, बजट है इनका 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है, 5000 है, और 5000 में ही पूरा काम करना है, तो पर डे का ये 300 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 300 रुपये पर डे लगा सकते हैं। तो अब यहाँ प्लेसमेंट में एक पावरफुल चीज़ ये है कि आप अपने एड्स उन चैनल पर दिखा सकते हो जिन चैनल्स, जो चैनल्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का आप कोर्स सेल कर रहे हो 777empire.in, तो अब मान लो कौन से चैनल्स हैं वो, लाइक बड़े बड़े चैनल्स आपको मिल जाएंगे, तौहीद अहमद का लाइक बनता है इस बात पे, तो मेरे चैनल पे भी आप ऐड रन कर सकते हो, ठीक है, और जितने भी हैं बड़े बड़े चैनल्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, उन चैनल्स को आप टारगेट कर सकते हो, राइट, उन चैनल्स पे स्पेसिफिक अपने ऐड रन कर सकते हो। तो अब जितने भी चैनल्स आपको दिखेंगे कि ये एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा है, ये एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहा है, तो आप उन सारे चैनल की लिस्ट निकालोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर YouTube चैनल्स, इस पर क्लिक करोगे, और जो चैनल का आप नाम लिखोगे वो चैनल यहाँ पर आ जाएगा, और उस चैनल को आप सिलेक्ट करते जाओगे, एंड उस ही चैनल पे आप अपने प्रोडक्ट का ऐड रन करोगे। अब जैसे ही आप ये रन करोगे तो वो ही बंदा देखेगा जो बंदा एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है, राइट, तो चांसेस ये बढ़ जाएंगे कि आपको अच्छी खासी ऑडियंस मिल जाएगी, जो सेल, मतलब कि सेल का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था, जो कुछ सेल कर जो कुछ खरीद रही है गूगल पे, उसी को कैटेगराइज किया है गूगल सेल के कैंपेन में, आप सेल का कैंपेन रन कर रहे हो, राइट, तो वो लोगों तक आपकी एड सस्ते दाम में पहुंचेगी, बिकॉज आपने उन्हीं कुछ 10, 20, 30, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी YouTube चैनल पे ऐड रन कर सकते हो, और उन्हीं कुछ YouTube चैनल पे आपने अपने कम बजट में ऐड रन किया है, और आपको स्पेसिफिक ऑडियंस मिल रही है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो इस चीज़ को ऐसे समझो,
अब मान लो आपका एक प्रोडक्ट है राइट, मोबाइल का केस है, ठीक है, मोबाइल का केस मतलब इसका कवर, ठीक, और आपको पता है ये जो केस है इसको सिर्फ वही लोग खरीदेंगे जो आईफोन चला रहे हैं, नए आईफोन चला रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रो मैक्स है तो ये प्रो मैक्स के कवर को प्रो मैक्स वाला बंदा खरीदेगा। तो अब जैसे ही इसमें ऑडियंस में जाओगे, सेलेक्ट करोगे प्रो मैक्स, ठीक है, तो जितने भी यूज़र्स हैं, मोबाइल यूज़र्स, सोशल मीडिया के यूज़र्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड यूज़र, उनको आप सेलेक्ट करोगे। एंड अब क्या करोगे, आप ये एड को टेक्निकल गुरुजी के चैनल पे रन करोगे, बिकॉज वहाँ पर लोग मोबाइल्स को पसंद करते हैं, आईफोन्स को पसंद करते हैं, रन करोगे, देन वो लोग ऐड को देखेंगे और आपके केस को खरीदेंगे, समझे, ऐसे काम करती है ये चीज़। तो अब ये प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर आप प्लेसमेंट कर सकते हो, एंड एट द एंड जो भी आपका ऐड का लिंक है वो यहाँ पर आप पुट करोगे, एंड दो तीन हेडलाइन लिखोगे, एंड क्रिएट एंड कैंपेन पे क्लिक कर दोगे। तो गाइस ऐसे करके पूरा ये गेम होता है। प्लेसमेंट बहुत ही तगड़ी चीज़ है, अगर आप प्लेसमेंट को सही से समझोगे सो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, राइट। सो गूगल ऐड को समझो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछो। 777ampire.in के बारे में समझना है तो नीचे मैं आपको फ्री ट्रेनिंग की लिंक दे रहा हूँ, किसकी, फ्री ट्रेनिंग की, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गो फॉर द ट्रेनिंग्स, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी पूछना चाहो सो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को कर दो लाइक, अगर नए में मानो चैनल कर दो सब्सक्राइब, बेल का आइकन प्रेस करो, और प्लीज़ इस चैनल पर बने रहो और सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।